दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। हम इंडियंस हैं और इंडियंस एक चीज हम लोग हमेशा करते हैं, अगर कोई भी बाइक परचेस करते हैं बहुत सारी चीजों को हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद जाके एक गाड़ी परचेस करते हैं। तो आज मैं आपको 150 से 160 सीसी सेगमेंट में कुछ बाइक्स बताने वाला हूँ जो अफोर्डेबल है, जो आप परचेस कर सकते हैं और गाड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एंड इसमें मेन चीज हम देखेंगे स्टाइलिंग, फीचर, कम्फर्ट, प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसमें सबसे मेन चीज होती है माइलेज, की माइलेज क्या देती है। तो ये सारी चीजें को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद एक इंडियन गाड़ी को परचेस करता है। तो टोटल में ये जो पांच बाइक्स बताने वाला हूं इनके जो एक्सशोरूम प्राइस है वो मुंबई होने वाले हैं। एंड ये जो बाइक्स है इसमें से कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी गाड़ियों के अलावा भी कुछ गाड़ियां है जो मेरे हिसाब से सही है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पांच ऐसे अफोर्डेबल बाइक्स है जो आप ले सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं पांच अफोर्डेबल बाइक्स कौन से, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है जो बेसिकली मैं यूज करता हूं फॉर माय एडिट एंड शूट। ऐसे कुछ भी परचेस करते हैं छोटे से चैनल को काफी हेल्प होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट में बाइक है वो है बजाज पल्सर 150 जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 94,572 से 105,472 रुपीज। यस, यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। पहली चीज तो गाड़ी देखने में काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट, हेलोजन इंडिकेटर्स, एलईडी टेल लाइट जो कि सिग्नेचर डुअल पीस आपको एलईडी टेल लाइट देखने मिलता है। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल एबीएस, पार्ट एंड लो पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, मस्कुलर फ्यूल टैंक एक्सटेंशन, इवन आपको इसमें स्प्लिट सीट भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स भी दिया गया है इस वाले वेरिएंट में। एंड यहाँ पे स्प्लिट हैंडल बार भी देखने को मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, पीछे आपको मिलता है डुअल गैस चार्ज सस्पेंशन सेटअप। अब आती है मेन चीज कि यहाँ पे आपको इंजन क्या देखने को मिलता है, 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड DTSI इंजन है जिसको बोलते हैं डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन जो कि प्रोड्यूस करता है 13.8 bhp आउटपुट एट द रेट 8500 rpm एंड 13.25 newton का टॉर्क एट द रेट 6500 rpm। 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आपको ये बाइक देखने को मिलते हैं जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। लेकिन अभी आजकल जो गाड़ियों की एवरेज है वो 50 के अंडर ही आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी 50 के अंडर ही आपको इसका एवरेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस लिस्ट में जो मैंने रखी है वो है यामाहा FZ-FI। यस, ये यामाहा की काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल भी है, प्लस आपको गाड़ी काफ़ी स्मूथ एंड रिलायबल इंजन देखने को मिलता है। इसका प्राइस एक ही है, दैट इज 1,04,439। ये सारे एक्सशोरूम प्राइस है। बात करें सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एलईडी हेडलाइट, यहाँ पे सिर्फ हेडलाइट एलईडी है एंड सारी चीजें इसमें कन्वेंशनल लाइक इंडिकेटर्स, इसके रियर टेल लाइट, सिंगल सीट ऑप्शन, मस्कुलर फ्यूल टैंक, इवन यहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, चंकी 41mm का फ्रंट का टेलीस्कोपिक फोक, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि काफी अच्छी राइडेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सिंगल पीस हैंडल बार, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन। लेकिन अब कहानी बातती है इसके इंजन, यहाँ पे 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। ये ड्यूरा कोर इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 12.2 bhp का आउटपुट एट द रेट 7250 rpm, 13.3 न्यूटन का टॉर्क एट द रेट 5500 rpm, 5 स्पीड ट्रांसमिशन। बहुत सारे आपको कलर कॉम्बिनेशन इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। एवरेज सबसे बेहतर इस गाड़ी का है, 50 के प्लस माना जाता है इसका एवरेज। नेक्स्ट अगर मैं इस लिस्ट में बात करूं जो कि आप ले सकते हैं इन अफोर्डेबल कैटेगरी, डेट इज होंडा यूनिकॉर्न। ये एक ऐसी बाइक है जिसके बारे में मैं बात करते करते थक जाता हूं लेकिन खत्म ही नहीं होती। ये ऐसी बाइक थी जब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था उसके बाद भी इतना ज्यादा प्रेशराइज था कस्टमर की तरफ से, तो कंपनी ने फिर से इसको लॉन्च करना पड़ा। फिर से जो अपडेट हुआ है वो है 160 सीसी सेगमेंट में। यस, इट इज 160 सीसी सेगमेंट। फ्रंट में आपको मिलता है हैलोजन हेडलाइट, हैलोजन टेल लाइट, हैलोजन इंडिकेटर्स, बहुत बेसिक डिजाइन है। कम्यूटर सेगमेंट को आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो तो वही बाइक है। सिंगल सीट ऑप्शन, यहाँ पे इसको लेजेंडरी बाइक इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस थी। स्मूथ इंजन है, साइड माउंटेन एग्जॉस्ट, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, सिंगल चैनल एबीएस, फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन। इंजन की बात करें 162.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, प्रोड्यूस करती है 12.73 bhp का आउटपुट एट द रेट 7500 rpm एंड 14 न्यूटन का टॉर्क एट द रेट 5500 rpm। यहाँ पे मिलता है 5 स्पीड ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं एंड जो डिस्क ब्रेक है वो मेरे को डिसअपॉइंटेड लगा, 240mm का फ्रंट डिस्क है, थोड़ा बड़ा होता तो बेटर होता। बात आती है नेक्स्ट इस लिस्ट में, वो है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V वाला वेरिएंट जिसमें 2 वॉल्व है ना कि 4 वॉल्व। तो ये गाड़ी प्राइस आती है 99,020 रुपीस से 1,02,020 रुपए। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 ये वो डिजाइन है जिसने रेवोल्यूशन ला दिया था। पहली चीज तो राइडिंग क्वालिटी बहुत इंप्रूव्ड है,
यहाँ पे शॉर्ट हैंडल बार देखने को मिलता है, टू पीस हैंडल बार है, फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट, DRS भी दिया गया LED, यहाँ पे आपको कन्वेंशनल इंडिकेटर्स, पीछे आपको LED टेल लाइट, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, रोटो पेडल डिस्क है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है गाड़ी। यहाँ पे टैंक एक्सटेंशन भी काफी अच्छा है, काफी मस्कुलर है, 2 grab rails एंड डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है ये गाड़ी। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे तो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, मतलब लो स्पीडिंग में भी हाई गियर कर सकते हैं इस गाड़ी में। प्लस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल है। 159.7 cc का एयर कोल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 15.31 bhp का आउटपुट एट द रेट 8400 rpm एंड 30.9 Nm का टॉर्क एट द रेट 7000 rpm। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5-speed ट्रांसमिशन, 270mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, एंड अगर सबसे लोएस्ट वेरिएंट लेते हैं तो उसमें ड्रम ब्रेक आपको 130mm का रियर में मिल जाएगा सिंगल चैनल ABS के साथ। एंड जो लास्ट इस लिस्ट में है वो एक क्रूजर बाइक है, वो बजाज की तरफ से आती है, आप लोग को पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एवेंजर स्ट्रीट 160। अगर मैं बात करूँ ये एवेंजर की, तो ये ऐसी पीढ़ी है ना, जब से ये एवेंजर लॉन्च हुई है तब से अभी तक ये गाड़ी की डिमांड खत्म ही नहीं हो रही, कंपनी इसको डिस्कंटिन्यू करेगी भी नहीं। पहली चीज़ तो ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट DRS देखने को मिलता है, यहाँ पे आपका कन्वेंशनल इंडिकेटर से कन्वेंशनल टेल लाइट है, लो प्रोफाइल सीट देखने को मिलती है, एंड सिंगल सीट है, काफ़ी मस्कुलर टैंक है, एंड टैंक एक्चुअल में ये टीयर ड्रॉप टैंक बोलते हैं जिसको, ये वो टैंक है। फुटरेस्ट इसके फ्रंट सेट है, वाइड हैंडल बार है, पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब बात आती है मेन चीज, यहाँ पे मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में मिलता है ड्रम ब्रेक, सिंगल चैनल ABS के साथ। अब आती है इसका इंजन, 160 cc का सिंगल सिलेंडर DTSI इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 14.79 bhp का आउटपुट 8500 rpm है एंड 13.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है एट द रेट 7000 rpm। 101376 rupees इसका एक्सशोरूम प्राइस है। यहाँ पे 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलता है एंड वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी है नहीं सिवाय सुजुकी इंट्रूडर 150, लेकिन लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते इसलिए लोग इसी गाड़ी को परचेस करते हैं, एंड इसका इंजन अच्छा हो गया है। सुना है ये एक और अपडेट होने वाला है, जो कि NS160 में जो इंजन लगा हुआ है मोर पावरफुल, वो इंजन इसमें फिर से रिट्यून होने वाला है। ये टोटल 5 ऐसी बाइक थी जो कि अफोर्डेबल 150 से 160 cc सेगमेंट में आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर माय एडिट एंड शूट, अगर वहाँ से कुछ भी परचेस करते हो चैनल को काफ़ी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।